दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे वेपर प्रेशर और कैविटेशन के बारे में। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कि वेपर प्रेशर और कैविटेशन क्या है। तो दोस्तों जो चेंज होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस स्टेट इज़ नोन एज वेपरेशन। जब लिक्विड जो होगा वो गैस स्टेट में चेंज होता है तो उसको हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन प्रोसेस या वेपोराइजेशन। तो जो वेपोराइजेशन है अकर्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस, ये क्यों होता है? तो जो वेपराइजेशन होगा वो अकर्स बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्कैपिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स थ्रू द फ्री लिक्विड सरफेस, जो कि डिपेंड करता है अपॉन द प्रिवलिंग प्रेशर्स एंड टेम्परेचर कंडीशन पर। तो दोस्तों लगातार ये मॉलिक्यूल्स होंगे वो फ्री लिक्विड सरफेस पे स्कैप करेंगे, स्कैप द मॉलिक्यूल थ्रू द फ्री लिक्विड सरफेस। तो दोस्तों इसको हम लोग समझते हैं कि जब हमने एक लिक्विड लिया विच इज़ कन्फाइंड अ क्लोज वेसल में और जिसका टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड का है 20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो लिक्विड जो होगा वो विल वेपराइज होगा एट 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब वेपराइज टेक प्लेस द मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं वो गेट एक्यूमुलेटेड इन द स्पेस बिटवीन द फ्री लिक्विड सरफेस एंड द टॉप ऑफ द वेसल। तो ये जो एक्यूमुलेटेड वेपर्स हैं वो एक्सर्ट कर रहे हैं प्रेशर का ऑन द लिक्विड सरफेस पर। ये जो प्रेशर होता है इज नोन एज वेपर प्रेशर। दोस्तों बस समझ लीजिएगा कि जो प्रेशर है ये हमारा क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर किस ऑफ द लिक्विड का, जो कि क्या हो रहा है प्रेशर एट विच लिक्विड इज कन्वर्टेड टू वेपर। इसको अगर फिर से समझते हैं, हम लोग कंसीडर करते हैं सेम लिक्विड एट 20 डिग्री सेल्सियस पे जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इन द क्लोज वेसल में। तो प्रेशर जो होगा अबाउट द लिक्विड सरफेस इज रिड्यूस बाय द सम मींस द बॉइलिंग टेम्परेचर विल ऑल्सो रिड्यूस। द प्रेशर इज रिड्यूस सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकम्स इक्वल टू या लेस देन वेपर प्रेशर। और दोस्तों जो बॉइलिंग ऑफ द लिक्विड विल स्टार्ट थ्रू द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 20 डिग्री सेल्सियस, दस द लिक्विड में बी बॉयल इवन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो दोस्तों यदि प्रेशर जो होगा वो अबव द लिक्विड सर्फेस होगा इज रिड्यूस सो एज टू बी इक्वल टू लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। दोस्तों अब कंसिडर करते हैं फॉलोइंग लिक्विड इन अ सिस्टम। यदि प्रेशर किसी भी पॉइंट पर फॉलोइंग लिक्विड ये बिकम्स इक्वल या लेस देन वेपर प्रेशर, तो दोस्तों वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड स्टार्ट होगा और ये जो बबल्स होंगे ये वेपर्स के वो कैरीड करेंगे फॉलोइंग लिक्विड को इनटू द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, जहाँ पर ये क्या होंगे कोलैप्स हो जाएंगे। अब जैसे ही राइज होगा इम्पैक्ट प्रेशर का, तो प्रेशर डेवलप करेगा बाई कोलैप्सिंग बबल्स का इज सो हाई दैट द मटेरियल जो होगा फ्रॉम द एडजॉइनिंग बाउंड्रीज वो गेट्स इरोड होगी और कैविटीज जो होगी वो हमारी फॉर्म्ड होगी। ये फिनोमेना जो हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, कैविटेशन कहलाता है। तो दोस्तों जो कैविटेशन हमारा फिनोमेना है, फॉर्मेशन होता है वेपर बबल्स का ऑन अ फ्लोइंग लिक्विड में इन अ रीजन जहाँ पर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो फॉल्स होता है बिलो द वेपर प्रेशर और सडन कोलैप्स हो जाता है दीज वेपर बबल्स का इन अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर। दोस्तों जब वेपर बबल्स कोलैप्स हो रहे हैं एट वेरी हाई प्रेशर क्रिएट, तो ये जो मेटालिक सरफेस है अबव जिसमें कि लिक्विड फ्लोइंग कर रहे हैं इज सब्जेक्टेड टू दीज हाई प्रेशर विच काउजिंग पिटिंग एक्शन ऑन द सरफेस। ये जो कैविटीज़ हैं वो फॉर्म्ड हो रही है ऑन द मेटालिक सरफेस एंड हैंस नेम इज कैविटेशन।